तभी हम आपको सुनवा रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे खेल समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। टेक्सन पीएल 398 MP रेडियो एंड व्हाट यू आर लिसनिंग राइट नाउ इज आकाशवाणी भोपाल केंद्र ट्रांसमिटिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। खेल समाचार लवली निगम से सुनिए। आज सबसे टेस्ट मैच की गेंदबाजी रैंकिंग में आर अश्विन दूसरे स्थान पर पहुंचे। पी कश्यप कोरिया ओपन बैडमिंटन के मुख्य ड्रॉ में पहुंचे। मुख्य मुकाबले कल से शुरू। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने भारत में नए राष्ट्रीय महासंघ का गठन का स्वागत किया। विल चेक मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट चाइना रेडियो इंटरनेशनल। कोलकाता में शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत यदि न्यूजीलैंड को हरा देता है तो वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर आज से टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो जाएगा। कानपुर में उसने 500 टेस्ट मैच में जीत के बाद भारत अब पाकिस्तान से आईसीसी टेस्ट गदा हासिल करने से केवल एक जीत दूर है। न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले भारत पाकिस्तान से सिर्फ 1 अंक पीछे था। कानपुर टेस्ट मैच में जीत के नायक आर अश्विन भी गेंदबाजों के आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 1 पायदान ऊपर स्थान पर पहुंच गए हैं। वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन से 1 अंक आगे और शीर्ष पर काबिज दक्षिण अफ्रीका के बैरिस्टर से 7 अंक पीछे हैं। अश्विन के अलावा रविंद्र जडेजा दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं जो शीर्ष टेस्ट में शामिल हैं। वो 1 पायदान ऊपर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के मिशेल सेंटनर 12 पार्टी ऑफ चाइना की केंद्रीय समिति सचिवालय के सदस्य शांघाई एक्सचेंज में कारोबार की मंजूरी। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिन्हा की रेडियो चाइना इंटरनेशनल की हिंदी सर्विस को शांघाई एक्सचेंज में कारोबार करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। चीन प्रतिभूमित नियामक आयोग यानी CSRC कई वर्षों के बाद पिछले शुक्रवार रात को इसे मंजूरी दे दी। कंपनी के सूचित के मुताबिक xinhuanet.com ने मल्टीमीडिया कारोबार को बढ़ाने के लिए लगभग 1.5 अरब यूएन ये सब ओनली वीपीएनटीना पे आप सुन रहे हैं बनाई है। इनसाइड द होम 2014 में 63.4 करोड़ यूएन रही थी जबकि शुद्ध मुनाफा 18.4 करोड़ यूएन रहा था। टेक्सन पीएल 398 एमपी को विज्ञापन से 2014 में रेडियो 34.8 करोड़ फीचर ईटीएम मीन्स में खुला तिब्बती क्षेत्र का सबसे बड़ा सिनेमा केंद्र। पश्चिमी चीन के छंगाई प्रांत में पिछले शुक्रवार को तिब्बती क्षेत्र के सबसे बड़े सिनेमा केंद्र की स्थापना की गई। केंद्र के प्रबंधक सोनम रिन चेंगा ने बताया कि जस्ट पुशिंग द वन बटन यू विल स्कोर 200 स्टेशन मेमोरीज विद दिस ईटीएम फीचर। फिल्मों के निर्माण का प्रशिक्षण और सेवाएं उपलब्ध कराएगा। 10,000 वर्ग मीटर दिस रेडियो हैज गॉट लॉट्स ऑफ फीचर्स काउंटी सरकार द्वारा समर्थित और ब्यूटीफुल ऑडियो अंतर्गत आता है। 100 किलोमीटर के दायरे के नाउ वी विल ट्राई फॉर रेडियो बांग्लादेश माउंट एनएमएम काम कोंकी पेरी मदोई आदिभूमि और रेगिस्तान पार्क जैसे एक कृत्रिम गंतव्य उपलब्ध कराता है। Now this is Radio Bangladesh. This radio signals we are receiving from Dhaka. कोई दरे दरे दिखा दिखा
for your kind information. This Bangla transmission we are receiving from Dhaka, Bangladesh. And Bangla is the sweetest language of the world. That is, this is what the people says. Listen, Bangla language. So this is very nice radio. We are receiving lots of long distance stations also on shortwave very easily with almost stable signals due to its digital signal processor and synchronized detector features. So thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe to my channel. So this is Dilip Bapat signing off from Alibag, near Mumbai, Maharashtra, India.